Cause I just wanna go, go, go to the deep end. I just wanna. आज इस वीडियो में फ्रेंड्स मेरे पास है सैमसंग गैलेक्सी A14 5G और मैं आपको बताने वाला हूं इसी फोन के टॉप 35 प्लस टिप्स एंड ट्रिक्स और बेस्ट अमेजिंग हिडन फीचरों के बारे में जो कि काफी ज्यादा यूजफुल फीचर रहेंगे। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आप एक ही स्क्रीन पे सेम टाइम में दो एप्लीकेशन को यूज कर सकते हो। अब जैसे कि आप YouTube के साथ किसी और एप्लीकेशन को अभी यूज करना चाहते हो तो यहाँ से क्लोज कीजिए इसको। इस तरह से ओपन कराने के बाद रीसेंट बटन को प्रेस करके उस आइकन पर क्लिक कीजिए ऊपरी साइड। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखने मिलेगा ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू, इस पर क्लिक कर देना है। अब आपकी ऊपरी साइड YouTube चला जाएगा, नीचे की किस एप्स को आप यूज करना चाहते हो उसको ओपन करा सकते हो बहुत आसानी से। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप एक ही एप्लीकेशन को यहाँ पे नहीं दो दो एप्लीकेशन को सेम टाइम में यूज कर पाओगे। ऊपर वाले को नीचे, नीचे वाले को ऊपर भी कर सकते हो, जिसके लिए इस आइकन पर क्लिक कीजिए तो यहाँ से स्विच कर पाओगे। या फिर किसी एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में यूज करना है तो यहाँ क्लिक करके एक एप्लीकेशन को ज्यादा एरिया में भी कुछ इस तरह से यूज कर सकते हो, क्लोज कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। तो ये फीचर आपको काफी एडवांस फोन में देखने को मिल जाता है। इस फोन का जो कंट्रोल पैनल है आप उसको कुछ इस तरह से फिंगरप्रिंट से एक्सेस कर सकते हो, मतलब फिंगरप्रिंट से कुछ इस तरह से ओपन करा सकते हो और फिंगरप्रिंट से इसको ऊपर करा सकते हो। तो कितना ज्यादा यूजफुल फीचर ये होने वाला है चलिए जानते हैं आप इसको कैसे ऑन कर सकते हो। इसके लिए फ्रेंड्स फोन की सेटिंग में चले जाइए, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके आपको आना है नीचे की ओर। जब नीचे की साइड आएंगे आपको देखने को मिलेगा एडवांस फीचर, इस पर क्लिक कीजिए। देखने को मिलेगा मोशन एंड जेस्चर, इस पर क्लिक करना है। यहाँ देखने को मिलेगा फिंगर सेंसर जेस्चर, इस पर क्लिक करके ये फीचर को ऑन करने पर आप अपने फिंगरप्रिंट से इस तरह से कंट्रोल पैनल को ओपन करा सकते हैं। इस फोन की स्क्रीन ऑफ होने पर आप जैसे अपने फोन को उठाएंगे वैसे ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी। इस फीचर को भी आप इस फोन के अंदर ऑन कर सकते हो। जैसे कि आपका फोन इस तरह से टेबल पे रखा हुआ है, टेबल पे रखे हुए फोन को जैसे आप उठाएंगे कुछ इस तरह से ऑटोमेटिकली स्क्रीन ऑन हो जाती है। इस फीचर को भी फ्रेंड्स आप ऑन कर लीजिए तो आपका ये फीचर कुछ इसी तरीके से काम आएगा। इस फीचर को चालू करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए, स्क्रॉल डाउन करने पे आपको फिर से ही एडवांस फीचर पर क्लिक करना होगा, जिसके बाद मोशन एंड जेस्चर पर क्लिक करना है। यहाँ आपको देखो मिलेगा लिफ्ट टू बैक, इस फीचर को ऑन करके आप इस फीचर का इस तरह से यूज कर सकते हैं। इस फोन की स्क्रीन को आप डबल टैप करके इस तरह से ऑफ करा सकते हैं और डबल टैप करके स्क्रीन को ऑन करा सकते हैं। इन फीचरों को ऑन करने के लिए फ्रेंड्स आपको फिर से ही आपकी फोन की सेटिंग में जाना है, एडवांस फीचर पर फिर से क्लिक करना होगा। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको जेस्चर एंड मोशन पर क्लिक करना है। यहाँ से इन दोनों फीचर को ऑन करा के आप इस तरह से इस फीचर का यूज कर सकते हैं। नीचे की ओर आपको एक ऑप्शन और मिल जाता है जो कि रहेगा कीप स्क्रीन ऑन व्हेन व्यूइंग। अगर ये वाला फीचर आपको ऑन रहेगा तो आपका होना क्या वाला है, जैसे कि आप यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं, वीडियो से जैसे आप निगाह को हटाएंगे वैसे ही ऑटोमेटिकली वीडियो आपकी पुश हो जाएगी। आपको वीडियो प्लेयर में आप वीडियो देखेंगे तो इस तरह से आपकी वीडियो वहां भी पुश हो जाती है। तो ये काफी ज्यादा यूजफुल आपके आने वाला है अगर आप इस फीचर का यूज करते हैं तो, यहाँ से इस फीचर को ऑन करा के यूज कर पाएंगे। इसके बाद आपको देखने मिलेगा पिकअप फोन टू कॉल, अगर इस फीचर को आप ऑन कर देते हैं तो आपके किसी नंबर से मान लीजिए बात हुई, इस नंबर से बात हुई इसको आप जैसे देखेंगे सामने से वैसे आपके जैसे कान से आप हटाएं उसकी डिटेल्स देखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह से आपके सामने डिटेल्स इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इस फीचर को भी आप यहां से ऑन करा के जान सकते हैं बहुत आसानी से। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको पॉपअप व्यू का भी ऑप्शन मिल जाता है तो उसके लिए आपको यहाँ बटन पर क्लिक करना है। जो भी बटन यहाँ पे आपको देखने मिले एप्स देखने को मिल रहे हैं उन पर इस तरह से क्लिक करना होगा। यहाँ देखने को मिलेगा ओपन इन पॉपअप व्यू, इस पर क्लिक करके आप इसको इस तरह से ओपन करा सकते हैं। इसका रिसाइज कर सकते हैं, इसको आप स्मॉल भी कर सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करा के इस तरह से क्लोज कर सकते हैं। तो ये सभी फीचर आपको देखने को मिल जाएंगे तो इनको आप कितना ज्यादा यहाँ पे देखने को सकते हैं, इनहांस एंड लार्ज वगैरह स्मॉल वगैरह कर सकते हैं, ये सब फीचर है अवेलेबल। इसके अलावा इस पर क्लिक करा के आप इसको इस तरह से क्लिक करके स्प्लिट स्क्रीन रहता है उसमें भी आप इसको ला सकते हैं। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपकी जो कॉल बैकग्राउंड रहती है आप उसको बदल सकते हो, तो आपको बताते हैं कैसे आप बदल सकते हैं। इसके लिए आपको फोन का जो डायलर है वो ओपन करके जाना होगा सेटिंग में, सेटिंग में चले जाइए। यहाँ देखने को मिल जाता है कॉल बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए। चार वीडियोज आपके सामने यहाँ देखने को मिलेंगी, इनमें से आप कॉल बैकग्राउंड के लिए लगा सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी कोई गैलरी में वीडियोज है तो आप उसको भी कॉल बैकग्राउंड के लिए सेट कर सकते हो, जिसके लिए आपको प्लस के आइकन पर जाने के बाद देखने को मिलेगा सेलेक्ट गैलरी, इस पर सेलेक्ट करना उस आप फोटो को लगा सकते हैं, उस वीडियो को लगा सकते हैं जिसको आप बैकग्राउंड के लिए सेट करना चाहते हो। तो यहाँ पर क्लिक करके जिसमें से चाहे फोटो या वीडियो को आप लगा पाओगे। इसके अलावा एक कॉन्टेक्ट के लिए भी केवल एक बैकग्राउंड बदल सकते हैं, तो ये भी फीचर अमेजिंग इस फोन के अंदर अपडेट में मिल गया है। तो इसको आप करने के लिए आपको जाना होगा अपने फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट में और वहां जाने के बाद कुछ इस तरह से क्लिक कीजिए। अब मान लीजिए ये वाला नंबर है, इसकी मैं कॉल बैकग्राउंड बदलना चाहता हूँ, तो आई बटन पर पहले क्लिक करना होगा, इसके बाद एडिट पर क्लिक कीजिए।
कुछ इस तरह से ऑप्शन खुलेंगे, आपको मोड पर क्लिक करना है। व्यू मोड पर क्लिक करने पर स्क्रॉल करने पर आपको देखने को मिलेगा कॉल बैकग्राउंड, इस पर क्लिक करके आप अलाउ कीजिए। तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली कॉल बैकग्राउंड बदल सकते हैं, किसी एक नंबर की चाहें या फिर मर्जी चाहें उस नंबर की कॉल बैकग्राउंड बदल सकते हैं, केवल एक रिंगटोन लगा सकते हैं एक ही बैकग्राउंड के लिए, मतलब एक कॉन्टैक्ट के लिए। ये सब ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कुछ भी आप एडिट कर पाओगे बहुत आसानी से। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको वन हैंडेड मोड का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, उसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में चले जाइए, जिसके बाद आपको एडवांस फीचर पर क्लिक करना है। यहाँ देखने को मिलेगा वन हैंडेड मोड, इसको ऑन करा के आप इस फोन को बहुत आसानी से वन हैंडेड मोड के लिए यूज कर सकते हो। फोन को आप वन हैंडेड मोड पर लाना चाहते हो तो इस तरह से क्लिक कर दीजिए, आपका फोन वन हैंड मोड पे आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ से इस तरह से इसको क्लिक करा के इस हाथ से यूज कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और इसके अलावा अगर राइट हैंड साइड को सेट करना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके इसको भी कर सकते हो। फुल स्क्रीन एरिया में करने के लिए आप ब्लैंक एरिया पर क्लिक कर दीजिए, आपका फोन फुल स्क्रीन पे चला जाएगा। अगर आपके इस फोन में जेस्चर यूज है, आप जेस्चर का यूज कर रहे हैं बटन नहीं है, तो यहाँ पे वो भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहाँ से क्लिक करके उसको भी जान सकते हो किस तरह से आप उसका यूज कर सकते हैं। तो बटन से करना है या फिर जेस्चर से करना है, यहाँ से आके आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, जिसके बाद वन हैंडेड मोड का बहुत आसानी से यूज कर पाएंगे। फ्रेंड्स इस फोन के अंदर दो फिंगर से अपने स्प्लिट स्क्रीन को ऑन करा सकते हैं कुछ इस तरह से क्लिक करने पे। अगर आपको यू फीचर ऑन करना होगा तो आपको जाना होगा फोन की सेटिंग में, तो फोन की सेटिंग में चलेंगे, यहाँ से आपको एडवांस फीचर पर क्लिक करना है। यहाँ देखने को मिलेगा आपको लैप्स, लैप्स पर क्लिक करने के बाद आपको यू फीचर यहाँ से ऑन कर देने होंगे। अब आप अपने स्क्रीन को स्प्लिट स्क्रीन में यूज करना चाहते हैं तो टू फिंगर से आप कराने पे आपका फोन स्प्लिट स्क्रीन में चला जाता है। इस फोन में आपको ये फीचर एक अच्छा देखने को मिलता है कि किसी भी एप्स को आप स्प्लिट स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। वैसे सभी फोनों में ये डिवाइसेज में मतलब आपको ये फीचर नहीं मिलते कि सारे एप्स सपोर्टेड हो, पर इस फोन में आपको सारे एप्लीकेशन सपोर्टेड देखने को मिल जाते हैं, मतलब किसी भी एप्स को आप स्प्लिट स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि आपके जो पेमेंट एप्स होते हैं उनको भी स्प्लिट स्क्रीन में आप यूज कर सकते हो, किसी भी डिवाइस में नहीं मिलेगा, इसमें आपको ये सपोर्ट बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। इस फोन के जो आपके कंट्रोल पैनल में आपको जो कलर देखने को मिल रहा है, इनका कलर चेंज कर सकते हो, और आपकी सेटिंग है यहाँ पे आपको कलर्स वगैरह देख रहे हैं, ये आप थीम्स के जरिए भी चेंज कर सकते हो। तो चलिए आपको बताएंगे इनका कलर चेंज करना है तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। इसके लिए आपको स्क्रीन पर टू फिंगर से पिन चेंज करना है, या देखने को मिलेगा वॉलपेपर एंड स्टाइल, इस पर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ आपको देखने को मिल जाता है कलर प्लेट, इस पर क्लिक करके आप अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके का यहाँ पे वॉलपेपर में जो भी कलर्स रहेंगे उनका यूज कर सकते हो। इसके लिए आप इस फीचर को ऑन कीजिए। अब आप देखोगे कुछ इस तरह से आपके जो कलर है वो चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, अब आप देखोगे यहाँ पे आपके जो कलर है वो बदल चुके होंगे। तो इस तरह से आप यहाँ पे कलर को चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अपने हिसाब से भी आप कलर को लगा सकते हो। अब जैसे कि देखते हैं कलर चेंज हो चुका है, इसके अलावा जब इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर बेसिक कलर आपको देखने मिल जाए, इनमें से कोई भी कलर आपको पसंद आ रहा है तो उसको सर्च कर सकते हैं, इस तरह से भी ये ऑप्शन मिल जाएंगे। जो भी कलर रहेंगे आपके वॉलपेपर के अंदर वो सभी अवेलेबल हो जाते हैं, उनमें से आप डायरेक्टली इनको यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको अप्लाई पैलेट के टू एप्स का आइकन देखने को मिलेगा, इसको ऑन कर देंगे तो कलर का जो आइकन है यहाँ पे आप देख पाएंगे। इसके बाद जो आपके फोल्डर रहेंगे उसका भी आइकन चेंज हो जाएगा, मतलब कलर देख सकते हैं उनमें भर जाता है इस तरह से। तो ये फीचर काफी एडवांस हो चुका है वन यूआई 5.0 के अंदर, तो ये काफी ज्यादा एडवांस फीचर आपको इस फोन में मिल जाते हैं। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको एड्स लाइट का बहुत अच्छा फीचर देखने को मिल जाता है। जब भी आपकी कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपकी स्क्रीन पर एक इफेक्ट शो होगा, उसको लगाने के लिए आपको फोन की सेटिंग में जाना है, स्क्रॉल डाउन करने पे नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, यहाँ क्लिक कीजिए। यहाँ देखने को मिलेगा नोटिफिकेशन पॉपअप स्टाइल, इस पर क्लिक कीजिए, आपको देखने को मिल जाता है एड्स स्टाइल, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी स्टाइल देखने को मिलेंगी जिनका इफेक्ट्स अपने नोटिफिकेशन की मदद पे आप लगा सकते हो, मतलब जब भी आपकी नोटिफिकेशन आएगी तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे इफेक्ट्स शो हो रहे हैं वो शो हो जाएगा नोटिफिकेशन के साथ। तो जो भी आपको यहाँ पे स्टाइल अच्छा लगता है नोटिफिकेशन का तो यहाँ पे आने का उसको सेलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो, जिसके आपको कलर पर क्लिक करना होगा या कलर के लिए सेलेक्ट करना होगा किस कलर का आप लगाना चाहते हो यहाँ पे इफेक्ट, उसको सेलेक्ट कीजिए। तो अब आप देख पाओ कुछ इस तरह से आपका इफेक्ट यहाँ पे शो होगा जब भी कोई भी नोटिफिकेशन आती है। इसके बाद एडवांस पर क्लिक करके आप इसकी जो भी टेम्परेचर है उसको हाई कर सकते हो, लो कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका कितने देर चलना चाहिए उसका टाइमर बदल सकते हो, ये काफी यूजफुल फीचर रहेंगे, इनको आप यहाँ से आके यूज कर सकते हो। इसके अलावा वापस जाइए, यहाँ से वापस जाने के बाद आपको देखने मिल जाता है एडवांस सेटिंग, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी जो नोटिफिकेशन आइकन रहता है वहाँ पे आप क्या सब कराना चाहते हो, नंबरिंग या फिर ऑल नोटिफिकेशन, ये सब फीचर है। आप जैसे कि नंबरिंग के लिए सेलेक्ट कर देंगे तो यहाँ देख सकते हो दो यहाँ पे नंबर शो हो चुके हैं, मतलब दो नोटिफिकेशन अवेलेबल है, तो इसको भी आप यहाँ आके सेट कर सकते हो। अगर बैटरी परसेंटेज शो नहीं है तो यहाँ से ऑन करके आप इसको भी लगा पाएंगे। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको एप्स हाइड का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। अगर एप्लीकेशन हाइड करना चाहते हो तो स्क्रीन पर टू फिंगर से पिन चेंज कीजिए, सेटिंग में चले जाइए, यहाँ देखने को मिलेगा हाइड एप्स का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना है। किस एप्स को हाइड करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लीजिए कुछ इस तरह से और डन कर दीजिए, तो वो एप्लीकेशन आपका हाइड हो जाएगा। इसको एक्सेस करना चाहते हो तो इनको अनहाइड करने के बाद में आप एक्सेस भी कर सकते हो। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आप डुअल एप्स को भी बना सकते हो, जिसके लिए फोन की सेटिंग में जाना होगा। फोन की सेटिंग में जाने पर स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको नजर आएगा यहाँ पर एडवांस फीचर, इस पर क्लिक करने के बाद देखने को मिलेगा डुअल मैसेंजर, इस पर क्लिक करके आप किसी भी एप्स का क्लोन कर सकते हो जो यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाए।
इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट तो देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दो और अलग तरीके से कॉल रिकॉर्डिंग को कर सकते हो। एक तो अपने नंबर को सेलेक्ट करके कर सकते हो कॉल रिकॉर्डिंग, और केवल उन नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग भी इस फोन के अंदर ऑटोमेटिकली चालू हो जाती है जो कि फोन में सेव नहीं होंगे, तो उनको आपको चालू करना है। तो फोन का जो डायलर है उसको ओपन कीजिए, थ्री डॉट पर क्लिक करके चले जाइए अपनी सेटिंग में। यहाँ देखने को मिलेगा रिकॉर्ड कॉल का ऑप्शन, इस पर क्लिक करके आपको यहाँ से फीचर ऑन कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ साइड में क्लिक करना होगा। पहले साइड क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है, तो केवल उन नंबर की कॉल रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी जो कि फोन के अंदर सेव नहीं होगा। इस तरह से आप कॉल रिकॉर्डिंग की सेटिंग भी कर सकते हो। आपके नंबर पर कोई भी कॉल्स वगैरह आती है और आप चाहते हो आपका फोन बताए उस कॉल के लिए कि इस नाम से ये कॉल आ रही है, तो आप इस फीचर को भी ऑन कर सकते हो। इस फोन में ये फीचर अवेलेबल मिलता है। इसको चालू करने के लिए आपको डायलर ओपन करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करके चले जाना है सेटिंग में। यहाँ आने के बाद आपको देखने को मिल जाता है आंसरिंग एंड एंडिंग कॉल, इस पर क्लिक करने के बाद आपको रियल कॉलर नेम अलाउ के लिए ऑन कर देना है। तो आपका फोन ब्लूटूथ या फिर हेडफोन लगी हुई आपके फोन के अंदर, तो आपका फोन बताएगा उस व्यक्ति का नाम जिससे भी आपकी कॉल आ रही होगी इस फोन पर। तो इस तरह से इस फीचर को ऑन कर सकते हो। इसके अलावा वॉल्यूम अप बटन है, इसको दबा के आप कॉल को भी आंसर कर सकते हो। इस फीचर को चालू करने के लिए यहाँ से ऑन कर दीजिए, तो अब आपके फोन पर कोई भी कॉल्स वगैरह आया आप वॉल्यूम अप बटन दबा दीजिए, कॉल आंसर हो जाएगी। अगर कॉल को डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको ये वाला फीचर ऑन कर देना है। अब आप पावर बटन को प्रेस करा के कॉल को डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो, तो ये फीचर काफी यूजफुल रहेंगे अगर आप इनका यूज करते हो तो कर सकते हो। इसके अलावा ऑटोमेटिकली आंसर का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से ऑन कर देंगे। आपका फोन अगर कनेक्ट रहता है आपकी ब्लूटूथ से या फिर एयरफोन कनेक्ट होगी आपके फोन के अंदर, दो सेकंड के अंदर आपकी कॉल वो ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगी। अगर इन फीचर को ऑन करना चाहते हो तो यहाँ आके बहुत आसानी से इनका ऑन करके आप यूज कर सकते हो। इस फोन के अंदर अगर आपको फिंगरप्रिंट लॉक सेट करना है तो आपके लिए फोन की सेटिंग में जाना होगा, और यहाँ जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। फिर देखने को मिलेगा आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने पर यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद देखने को मिलेगा आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने पे बायोमेट्रिक्स, इस पर क्लिक कीजिए। इसके बाद फिंगरप्रिंट आप यहाँ से आके ऑन कर सकते हो, यहाँ से फिंगरप्रिंट को लगा सकते हो। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये फीचर देखने को मिल जाएगा। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको एक ऐसा फीचर देखने को मिलता है जो कि आपकी काफी ज्यादा सिक्योर करता है और आपको काफी ज्यादा सेफ बनाता है। उसके लिए आपको क्या करना है, जैसे कि आप कभी भी अपना फोन सर्विस सेंटर के लिए लेके जाते हैं और आप चाहते हैं कि आपका जो भी डाटा है वो चेक नहीं कर पाए क्योंकि वो आपसे लॉक पूछ लेते हैं, तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक सेटिंग कर लेनी होगी। आपको फोन की सेटिंग में जाना है या बैटरी एंड आपका जो बैटरी कैरियर उसके लिए सेलेक्ट करना है, और यहाँ से स्क्रॉल करेंगे आपको मेंटेनेंस मोड का एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से क्लिक करके आपको इसको टर्न ऑन कर देना है। टर्न ऑन करेंगे फोन आपका रिबूट होगा, रिबूट होने के बाद जो भी आपका फोन का डेटा होगा वो सेफ रहेगा, एक अलग मोड में आपका फोन चला जाता है, जिसके बाद आप बहुत आसानी से किसी भी को दे सकते हैं अपना फोन, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपको ये भी एक एडवांस फीचर इस फोन के अंदर मिल जाएगा। इस फोन के अंदर फ्रेंड्स आपको एड्स पैनल भी देखने को मिलता है, उसको ऑन करने के लिए फोन की सेटिंग में जाइए और यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके देखने को मिलेगा डिस्प्ले, इस फीचर पर क्लिक कीजिए। यहाँ से स्क्रॉल डाउन करने पर आपको देखने को मिलेगा एड्स पैनल, इसको ऑन कर दीजिए। अब आपका एड्स पैनल यहाँ इस तरह से ओपन हो जाता है, यहाँ से इस तरह से कुछ कंट्रोल कर सकते हैं अपने एप्स को। यहाँ देख सकते हैं बहुत सारे आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेंगे, इनको आप एडिट भी कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करके कौन से एप्स को लगाना चाहते हो कौन से को रिमूव करना चाहते हो, तो यहाँ क्लिक करके बहुत आसानी से आप इनको कर पाओगे। इसके अलावा नेविगेशन बार का एक ऑप्शन मिल जाता है आपको, यहाँ क्लिक करके अपने बटनों को हटा के इस फोन में जैसे नेविगेशन को लगा सकते हो, जिसके लिए आप यहाँ क्लिक कर दीजिए, आपके बटन हाइड हो जाएंगे और जैसे नेविगेशन सेट हो जाएंगे। इस तरह से आप यहाँ पे आके इसको सेट भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये कुछ आपको एडवांस फीचर इस फोन के अंदर अवेलेबल मिल जाते हैं जिनका यूज कर सकते हैं बहुत आसानी से। अगर आप इसी टाइप की और वीडियो चाहते हो तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नए नए अपडेट में ऐसे फीचर आपको मिलते रहते हैं, और उनके बारे में अगर आप जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे सारी अपडेट्स की आपको खबर मिलती रहेंगी इस फोन से रिलेटेड। तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए।